गुड आफ्टरनून टेंथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति में पार्ट एक सत्ता की साझेदारी का आखिरी भाग पढ़ेंगे। अब इसके पहले हम सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और कितनी आवश्यक है और उससे क्या क्या लाभ हुए इसके बारे में हमने पढ़ा। इसमें दो जगह बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण देखा। आज हम एक खलील नाम के व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे और उसकी उलझन के बारे में। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था। विक्रम नाम का व्यक्ति रात की खामोशी में क्या कर रहा था? मोटरसाइकिल चला रहा था। बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। अब यहाँ पर विक्रम और बेताल दो पात्र हैं जिनके बारे में हम कहानियों में पढ़ चुके हैं, विक्रमादित्य और बेताल। 25 के बारे में आपने सुना ही होगा कि बेताल उसकी पीठ पर बैठ जाता है और कोई ना कोई सवाल उससे पूछता है और उसका जवाब वो कहानी के माध्यम से देना चाहता है। तब बेताल उसको नींद ना आ जाए इसलिए कहानी सुनाना शुरू करता है। उसे बताता है कि बैरूत शहर, बैरूत एक जगह है, वहाँ उस शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे जबकि माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर में यह कोई अनूठी बात नहीं है क्योंकि ऐसा हो सकता था किसी भी घर में। उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उसमें से जो बाप पिता थे उसके, वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और जबकि माँ सुन्नी मुसलमान। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, राजधानी बैरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। अब इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का है, कोई कैथोलिक है ही नहीं, तो मतलब कैथोलिक होना चाहिए, वो कैथोलिक नहीं था। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता था। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद सिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। अब इतने मतभेद के बीच जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। अब हुआ क्या कि जो प्रधानमंत्री थे वो क्या होना चाहिए? सुन्नी मुसलमान। और उप प्रधानमंत्री का पद किसको दिया? ऑर्थोडॉक्स ईसाई या संसद के सदस्य पद पर वो कौन चुने गए? सिया मुसलमान। सिया और सुन्नी दो अलग अलग समुदाय के हो गए, हे मुसलमान, लेकिन इनमें भी तो अलग अलग बातें सामने आती हैं। उसी तरह से क्या कहा गया कि राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच समझौता तो हुआ लेकिन तब आबादी कैसी थी? लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए। सबसे बड़ा बहुमत किसको मिल गया? मुसलमानों को मिल गया। दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान ही रहे थे। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है लेकिन मौजूदा व्यवस्था में के रहते वह सबसे बड़े पद का पर पहुंच ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वह ना तो माँ के धर्म को मानता है ना ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए, वो एक अलग पहचान बनाना चाहता था। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। उसकी सोच बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा उनका कहना है कि मौजूदा अव्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी, मतलब जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें ही शांति है। अभी कहानी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि
वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। वहां वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा। अब विक्रम से क्या सवाल पूछा उसने? अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौतों को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है तो आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? जैसा कि यहाँ चित्र में दिया है, बहुत प्यारा सा चित्र दिया है यहाँ। अब सत्ता साझेदारी का स्वरूप क्या रूप है इसका? कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह में हाथ में होना चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना होंगे और लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत क्या है? कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। जनता के हाथ में ही शक्ति का स्रोत है और इसमें ही निहित होती है। स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना वो शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाए जाना चाहिए। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की जो साझेदारी है उसके अनेक रूप देखने को मिलते हैं। अब कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए हैं जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि वो क्या है सत्ता की साझेदारी। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। आपने पढ़ा है इनके बारे में, इनकी शक्तियों के बंटवारे के बारे में और किस प्रकार से ये अंग काम करते हैं उसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में हमने देखा था, पढ़ा था कि कार्यपालिका का सत्ता का उपयोग करती है देश के लिए और यह संसद के अधीन कार्य करती है। उसी तरह से न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी इसे कहा जाता है, जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है, कार्य होता है। अब सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। कैसे? कि पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। या तो पूरी देश की एक सरकार हो या फिर प्रांतीय क्षेत्र में अलग अलग सरकारें हों। इससे क्या होगा? पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ और केंद्र सरकार भी कहते हैं। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं, जो एक क्षेत्र विशेष प्रांतीय में काम करती है। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारें ही नहीं हैं। जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। बेल्जियम में तो यह काम हुआ पर श्रीलंका में ही नहीं हुआ कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी इकाइयाँ हैं जो उच्चतर और निम्नतर राज्य की सरकारों के बीच सत्ता को बंटवारे में ऊर्ध्वाधर वितरण इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और क्या उदाहरण है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है, जैसे कि बेल्जियम में हुआ था। सामुदायिक सरकार का उदाहरण देखने को मिला था। अब कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय महिलाओं को विधायिका प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। ये अलग तरह की व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। अब जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। अब यहाँ पर सत्ता के बंटवारे का एक रूप और देखेंगे हम, वो क्या है कि दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित किया जाता है, नियंत्रित करने का उसका लक्ष्य रखा जाता है। अब लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प करना जरूरी रहना चाहिए। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा तो करती हैं,
और यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही है इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में ना रहकर बल्कि सभी के पास है। समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के साथ आती जाती रहती है। फिर कई बार अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, सरकार का गठन करती हैं, चाहे वो व्यापारी हो, उद्योगपति हो, किसान हो, औद्योगिक मजदूर जैसे संगठित हित समूह को भी हमने इसमें सक्रिय होते देखा है। सरकार की विभिन्न समितियां में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर हम समूह की सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि उस भागीदारी में उसका कितना फ़ायदा होगा। इस पाठ को आपको यहाँ तक पढ़ना है।